हम में से कई लोगों को करेला खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता। इसका कारण करेले का कड़वा स्वाद है। दूसरी ओर कई लोग इसे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक समझकर इसका अत्यधिक सेवन भी करते हैं। लेकिन करेला खाना हमेशा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होता, या यूं कहें कि ये सभी के लिए लाभदायक नहीं होता। करेले खाने के कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी, इसलिए हमें इसे जानना बेहद ज़रूरी है कि किसे इसका सेवन करना चाहिए और किसे नहीं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। यदि आप लीवर से जुड़ी समस्या से परेशान हैं तो आपको करेले का सेवन नहीं करना चाहिए। करेले में मौजूद लेक्टिन नाम का तत्व, जो लीवर में प्रोटीन के संचार में रुकावट पैदा करता है, गर्भवती महिलाओं को करेले का सेवन नहीं करना चाहिए। इसका कारण है करेले के बीज में मौजूद मेमोचेरिन तत्व, जो गर्भ में पल रहे शिशु के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, इसके सेवन से गर्भपात की स्थिति भी हो सकती है। अगर आपके बच्चों को करेले से एलर्जी है तो उन्हें इसे देने से परहेज करें। करेले में पाए जाने वाले लाल बीज आपके बच्चों के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं। इससे बच्चों को उल्टी या डायरिया भी हो सकता है। डायबिटीज के मरीजों को भी ज्यादा करेला नहीं खाना चाहिए। जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज के सेवन से शरीर पर इसका उल्टा प्रभाव होता है। करेले के अधिक सेवन से हीमोलाइटिक एनीमिया होने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि आपको यह पोस्ट अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें, और यदि आप इसी तरह की सेहत से जुड़ी जानकारी रोजाना प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें फॉलो अवश्य करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारा hashmi.com चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।